अंदर आ चुका, अब देखिए कि ये अंदर घुसे, अब मैं ये ना पीछे से ये कुछ ही देना, हाँ ये बहुत जल्दी पड़ा देखा है, ये आगे करो। मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और यूपी और बिहार की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे आप सुने होंगे कि हम लोग साल का 5 फिल्म करने का जो कमिटमेंट किए थे, जिसमें से मेरा तीसरी मूवी सिवान में हम कर रहे हैं और तीसरी मूवी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ के लोकल कलाकारों को भी अवसर दिया जाएगा इस मूवी के माध्यम से। जी, तो कुछ क्या नया होगा यहाँ जो फिल्म की शूटिंग चल रही है? नया जो होगा आप देख ही रहे हैं। सबसे मैं आपको बताया ना कि यहाँ के लोकल कलाकारों को बढ़ावा देना और साफ़ सुथरी छवि का फिल्म बनाना और सामाजिक में जो है एक स्थान भोजपुरी फिल्म को देना, यही हमारा जो है अभी इस मिशन पर काम चल रहा है। फिल्म के टाइटल के बारे में क्या कहेंगे आप? फिल्म का टाइटल आप जैसे सुन रहे होंगे कि बाबुल का घर प्यारा लगे, सेम उसी के ऊपर आधारित मेरा फिल्म है। जैसा नाम है वैसा इस फिल्म में आपको दर्शाया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा। जी, तो ये बाबुल का घर प्यारा, इसमें थीम क्या है? मतलब ये एक बाप बेटी की कहानी है या घर घर की कहानी है या सास बहू की कहानी है? जैसे आप नाम में देख रहे हैं बाबुल का घर प्यारा लगे, थीम भी यही है और स्टोरी भी इसी के इर्द गिर्द अपना चलेगा। जी, तो इसमें हीरो हीरोइन की बात करें तो कौन कौन कलाकार नजर आएंगे? इसमें हीरो की मैं बात करूँ तो विक्रांत सिंह हैं, हीरोइन की बात करें तो अर्पणा मलिक हैं और नेहा पांडे हैं, नेहा तिवारी हैं और एक नेहा जूही पांडे हैं। और आपके बैनर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? जो बैनर कंटिन्यू भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया आगाजी के रूप में आया हुआ है। बैनर की बात करें तो देखिए, जो हम लोग जब पहला फिल्म बनाए थे तो उससे हमें लगा कि अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, अब इसी तरह कंटिन्यू आप लोगों के बीच में इंटरटेनमेंट ये बैनर देता रहेगा और सामाजिक चीज़ों को जो है मुद्दे को अपने फिल्म के माध्यम से उठाता रहेगा और जो हमारी भोजपुरी की लिमिटेशन है उसको हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर जो है लोगों के बीच में दिखाएँ और बनाएँ। जी, और अच्छा, हर बार जो है जिसकी जितनी फिल्में आप बन रही हैं डायरेक्टर अलग होते हैं, एक्टर हीरो हीरोइन अलग हो रहे हैं, तो ये खास वजह क्यों, क्या चेंज ओवर करना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको फर्स्ट मूवी में भी यही बात बोला था कि सबका साथ सबका विकास, हम पर्टिकुलर एक व्यक्ति को लेके नहीं काम करना है, हमें इंडस्ट्रीज के सभी लोगों के साथ में काम करना है। तो हम लोग का जो अभी वर्किंग पैनल है वो डिसाइड करता है कि अलग अलग फिल्मों के लिए अलग अलग डायरेक्टर, अलग अलग एक्टर, अलग अलग स्टोरी, हम हर एक टाइप के कंसेप्ट पर काम करना चाहते हैं और सबको ले के काम करना चाहते हैं, लोकल कलाकारों को भी, जो बाहर से आए हुए कलाकार हैं उनको भी। ज़्यादातर तो हम लोग जो है पूर्वांचल में के कलाकारों के साथ में ही अभी फिलहाल में काम कर रहे हैं। जी, तो अब सिवान में कितने कलाकार यहाँ लोकल नज़र आने वाले हैं इस फिल्म में? 60-70% यहाँ के लोकल कलाकार हैं। और लोकेशन सिवान में कहाँ कहाँ होगा शूटिंग इसकी? लोकेशन की मैं बात करूँ तो सिवान के नज़दीक और इर्द गिर्द का ही लोकेशन हमारे पास रहेगा शूट करने के लिए। इसमें से कुछ मैसेज भी जाने वाला है समाज में, दर्शकों के बीच जाने वाला है? समाज में बहुत सारी चीज़ों का मैसेज जाने वाला है, जैसे फिल्म बन के आपको दिखेगा तो साफ शब्द में ये मैसेज समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में चाहते क्या हैं और करना क्या चाहते हैं। हमारा भी मिशन यही है कि लोकल कलाकारों को प्रोत्साहन देना, उठाना, काम देना, अभी इस सब चीज़ों को अभी अपनी प्रक्रिया चालू है। जिनके यहाँ शूटिंग हो रही है क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी के बारे में? मुखिया जी तो बहुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और उन्होंने एक ही
मुलाकात में जो है बहुत सारा प्यार लुटाया है, उन्होंने बोले नो डाउट मेरे यहाँ आप लोग काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुखिया जी का नाम क्या है और ये जहाँपुरी गांव का क्या नाम है? मुखिया जी का नाम है बिपिन सिंह जी, और गांव का नाम फिलहाल में याद नहीं है। फलपुरा गाँव का नाम जो है फलपुरा है जी। जी जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से मेरा यही अनुरोध है कि फिल्म बनता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह दें, प्यार दें, और इस प्यार स्नेह देंगे तो आगे इससे भी अच्छी मूवी हम लोग बनाएंगे जी। और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि सभी लोग साथ में आएं, सभी लोग काम करें, सबके साथ हम लोग खड़े रहेंगे।